ये चेक करो आप, ये चेक करो आप, ये लेग पीस, इसके ऊपर ग्रेवी, ये देखो आप, एकदम गाढ़ी एकदम दानेदार ग्रेवी, ये गए जी रोटी के ऊपर। तो फिर बता रहा हूँ, खा के याद करोगे आप। फाइव स्टार होटल में नहीं मिलेगा ऐसा खाना। मच्छी बनाते हैं, मुर्गा बनाते हैं, बकरा बनाते हैं, अंडे बनाते हैं, ये आइटम बनाते हैं। खुशबू तो मेरी बहुत दूर दूर जाती है, या कि बनता क्या है यार, ऐसी खुशबू आती है। अच्छा। हाँ जी, बहुत दूर से ही जान देते हैं काका का ढाबा। उधर दिल्ली से, अजमेर से, कोटा से, टोंक से, सवाई माधोपुर से, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है। दोसा, दोसा से आगानी तक के आते हैं। अच्छा। हमारे को चार या पांच हेल्पर और चाहिए, हेल्परों की बहुत सख्त जरूरत है। बढ़िया सैलरी देंगे और बढ़िया रखेंगे, यहाँ खाना पीना रहना यहीं। ये देखिए दोस्तों, हेलो दोस्तों, वेलकम टू जयपुर बैकपैकर। मेरा नाम है मोहित और आज मैं ना आपके लिए एक बार फिर से आ गया हूँ काका जी के रेस्टोरेंट पे। लास्ट दो वीडियोस मैंने डाली थी काका जी के रेस्टोरेंट की, मैंने मुझे बहुत प्यार मिला था आप लोगों का। एक तो मैंने आपको यहाँ का मटन दिखाया था, साथ में मैंने एक बार आपको यहाँ की सीधी पाई दिखाई थी। क्या बढ़िया सा रिस्पॉन्स मिला मुझे आपका उस वीडियो पे। तो आज फिर से आ गया मैं यहाँ पर, रेसिपी और लेने आया हूँ। देखो यहाँ पर मैं आया था एक चिकन की, बढ़िया सी देसी चिकन की रेसिपी लेने, और एक मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि मुझे एक अंडा कढ़ी की रेसिपी दो, क्योंकि मैंने देखा था क्या शानदार ही अंडा कढ़ी बनाते हैं। आपने मेरी पिछली दो वीडियोस देखी है ना, तो आपने काका जी को देखा होगा, बट आज काका जी नहीं है यहाँ पर अवेलेबल। पास चलेंगे, बात करेंगे और आपको पूरी रेसिपी देंगे। आइए मेरे साथ। सो कैसे जी? बस बढ़िया यार। देखो आज काका जी को मिस करेंगे अपन वीडियो में। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन भैया मिल गए, आपका नाम बता दो। मेरा नाम सुरेश खटीक है। सुरेश जी मिले, आज इनसे बनवाएंगे पूरी रेसिपी और पूरी मेकिंग आपको दिखाएंगे और खाकर बताएंगे क्या बनाने वाले आज। बिल्कुल, आज चिकन बनाएंगे, खिलाएंगे आपको, भी याद करोगे आप, ऐसा चिकन बनाएंगे आज आपके लिए। तो देख लो दोस्तों, टोन वही आ रही है काका जी वाली, याद करोगे आप, बनाए फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ, देर नहीं करते वीडियो में, फटाफट से चल के बनवाते रेसिपी। आइए करें चिकन की रेसिपी। बिल्कुल बिल्कुल, आज बनाएंगे अंडे की रेसिपी। आप आए थे चिकन की रेसिपी के लिए, पर बाकी आज अंडा करी भी बना के खिलाएंगे आपको। अच्छा, याद करोगे आप आज। तो वैसे मैंने आपको बताया था ना, इनकी अंडे की रेसिपी भी बहुत शानदार है, अब वो भी रेसिपी ये साथ में ही दे रहे हैं। चलो स्टार्ट कर। बिल्कुल बिल्कुल, बनाने वाले क्या? हाँ हाँ, कुकर में बनाएंगे। दोस्तों मसाले चेक करो आप, क्या क्या बताते जाइए एक बार, क्या क्या डालने वाले अपन? अपन डालेंगे हल्दी, सूखा धनिया, मिर्ची जी, और नमक। नमक, हाँ। ओके। और ये अपने है गरम मसाले, दोनों गरम मसाले, और साथ और में प्याज। कितना चिकन बना रहे हैं आज अपन? आज बनाएंगे एक किलो चिकन। एक किलो चिकन, बिल्कुल। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये अपना चिकन है। ये देखिए दोस्तों, ये चिकन जो एक किलो बनाने वाले हैं, ये आ चुका है कट के। ये देखिए आप, पहले इसकी धुलाई करेंगे पहले जी। ये आ गया जी, बढ़िया तरीके से इसको एक बार वॉश करेंगे अच्छे से। ये देखो दोस्तों, पीस चेक करो आप, क्या शानदार तो पीस आए हैं इसके, बढ़िया लेग पीस दिख रहे हैं मेरे को, दो बड़े बड़े। दोस्तों सबसे पहले जा रहा है ऑयल, कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं अपन? ये कच्ची गानी का तेल है, सरसों का। क्या बात है, सरसों के तेल में बना रहे हैं। हाँ जी। ये देखिए दोस्तों, कितना जाएगा इसमें? इसमें जाएगा 200 ml। ये गया जी 200 ml सरसों का कच्ची धनी का तेल, एकदम प्योरेस्ट। आज पहली बार ही वीडियो बनवा रहे हो आप, है ना? हाँ जी, हमेशा काका जी बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज लकीली वो मिले नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप याद करोगे, ऐसा चिकन बना के खिलाऊंगा आपको। अरे वाह जी, क्या बात है, खुश हो के जाओगे आप। अरे वाह, मतलब इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। पहले इसको गर्म करेंगे, फिर इसमें प्याज डालेंगे। हाँ जी। आप इसको फाड़ते भी है क्या? नहीं नहीं, फाड़ते नहीं, ऐसे बनाएंगे, बनाते हैं बिल्कुल ऐसे। मतलब अलग रेसिपी है। हाँ बिल्कुल अलग रेसिपी। लोग बोलते हैं कि इसको फाड़ना पड़ता है और नहीं नहीं, अपन ऐसे ही बनाएंगे, बिगर फाड़े हुए बनाएंगे अपन। हाँ हो गया गरम, अब ऐड करते हैं इसमें तेज पत्ते। ये देखिए दोस्तों, ये हो चुका है गरम एकदम। ठीक है जी, तेज पत्ते। अब इसमें पत्ते प्याज, इसमें प्याज डाल रहे हैं जी। ये गया जी प्याज, 150 ग्राम प्याज। 150 ग्राम प्याज गया जी इसके अंदर, 1 किलो मटन में 150 ग्राम प्याज, छोटे कटे हुए बारीक। अब इनको थोड़ा ब्राउन करेंगे दोस्तों। ये साबुत गरम मसाला, ये जाएगा क्या क्या है इसके अंदर? इसमें है जायफल, जावित्री, डोडे, ये फूल, काली मिर्ची वगैरह, काली मिर्ची, हाँ सब है इसमें, थोड़ा बहुत डालेंगे। ये गया जी इसमें गरम मसाला, तो ये हो रहा है जी गरम ब्राउन। इसमें सारे गरम मसाले, प्याज और कच्ची धनी का तेल डाला है अपन ने। हाँ जी हाँ जी। सबसे ज्यादा क्या चलता है यहाँ पे, क्या फेमस है आपके? अपने फेमस है ज्यादा, सबसे ज्यादा मटन चलता है, मटन और चिकन। मटन और चिकन,
ओके, सब कुकर में ही बनाते हैं? बिल्कुल कुकर में। कितनी देर में बना के दे देते अगर कोई आए तो? कुकर में मटन 1 घंटा लग जाता है और चिकन में आधा घंटा लगता है। चिकन में आधा घंटा। हाँ हो गए ब्राउन, देखो ये देखो ये हो गए जी ब्राउन प्याज एकदम। अब इसमें हल्दी ऐड करेंगे, पहले पानी डालेंगे, नहीं अगर गर्म में डालेंगे तो हल्दी जल जाएगी, जल के कड़वा दे देगी। ओके, तो इसलिए पहले पानी में हल्दी को मिला के उसके बाद में, ये देखिए दोस्तों पानी में मिलाइए हल्दी और उसके बाद में डाला इसके अंदर। फिर डालेंगे अपन नमक, ये गया जी नमक। फिर सूखा धनिया, ये गया जी सूखा धनिया। ये गया जी इसमें मिर्ची, लाल मिर्च, ये गया जी लाल मिर्च। कितनी कितनी क्वांटिटी डाली आपने इसमें? इसमें मान लो मतलब 20 ग्राम तो अपनी ये है मिर्ची। ओके, और 10 ग्राम सूखा धनिया डालें। ओके, और नमक तो स्वाद अनुसार डाल दो। ये देखिए दोस्तों ये बन रही है बढ़िया सी ग्रेवी, इसकी शानदार कलर आ गया, आप चेक करो दोस्तों। गरम मसाले हैं, ये गए जी गरम मसाले। ये सारी चीज़ें पहले डाल देते हैं आप? हाँ पहले डाल देते हैं, फिर बाद में नहीं डालते। बाद में क्या है ऊपर से डालते हैं ना तो फिर दिक्कत होती है पेट के लिए। हाँ जो भी मसाले होते हैं जो पहले डाल देते हैं। क्या डाला आपने लास्ट? अभी ये भी खुशबू वाला गरम मसाला है। खुशबू वाला गरम मसाला है। ये है जी पूरा प्रोसेस, ये पूरा सेटअप यहाँ पर सेटिंग का, एकदम ऐसा लग रहा है कि किसी ओल्ड स्कूल में आ जाओगे आप। ये देखिए आप पूरा सेटअप स्कूल वाली फीलिंग दे रही है ये। और यहाँ पे बनने जा रहा है बढ़िया सा चिकन, जो कि बना रहे हैं सुरेश भाई। इसमें पानी डालेंगे, ये गया जी इसके अंदर पानी। ये देखिए दोस्तों 10 से 15 मिनट लगेगी इसको भूनने में। 10 से 15 मिनट भूनने में लगेगी, मतलब ये चिकन वगैरह ये सब बाद में डालेंगे अपन, इससे पहले इसको भून के फिर डालेंगे। हाँ जी ओके, पहले इसको भूनेंगे उसके बाद डालेंगे। जब तक अपन अंडा करी लगा देते हैं, बिल्कुल अंडा करी की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं साथ के साथ में, एक ही वीडियो में दोनों रेसिपी देने वाले हैं दोनों, बिल्कुल साइड बाय साइड है ना अपन। हम आपको देने वाले हैं अंडा करी की रेसिपी भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बन रहा है चिकन और इसमें बनने जा रही है अंडा करी। अब इसमें फेटा हुआ दही डालेंगे, ये फेट दिया है दोस्तों अलग अच्छे से, इसको फेटा है दही को, बिल्कुल इसको फेटना भी ज़रूरी है। इसमें क्या है मसूरियाँ रह जाती है ना, ओके तो फिर पकता नहीं है दही, पकता नहीं है। गया जी इसके अंदर दही, ये देखो आप पूरा फेटा हुआ दही है एकदम, ये बनने जा रही है इसकी ग्रेवी। अभी तक इसके अंदर चिकन डाला नहीं है दोस्तों, बिल्कुल देखो आप, देखो आप रंगत देखो आप, अभी ग्रेवी देखो आप। अभी तो 2-5 मिनट और लगेगी इसमें, कम से कम 5 मिनट तो लगेगी, 5 मिनट और लगेगी। हाँ, उसके बाद में डालेंगे चिकन। हाँ दही पका के फिर डालेंगे, बाद में डालेंगे। ओके, साइड बाय साइड अपन स्टार्ट कर लेते हैं अब इसकी रेसिपी साथ के साथ में, है ना। अंडा कड़ी की रेसिपी भी स्टार्ट कर रहे हैं और वही सरसों के तेल में बना रहे हैं, बिल्कुल सरसों के तेल में तैयार करेंगे इसको भी। ये देखिए दोस्तों ये गया जी सरसों का तेल, कितना अंडे डाल रहे हैं अपन, कितने 10 अंडों की बनाएंगे, 10 अंडों की बना रहे हैं जी, जो कि बना रहे हैं सुरेश भाई आज हमारे। बिल्कुल भाई साहब याद करोगे आज खा के आप भी। अरे वाह, कितना टाइम हो गया आपको ऐसे बनाते हुए? मेरे को हो गया मतलब 10 साल हो गए मेरे को चलाते हुए। 10 साल हो गए, 10 साल से आप ही बना रहे हैं? 15 साल से फादर ने चला रहे था बस यहाँ। ओके, और कितना रोज का बन जाता है? मतलब रोज का बन जाता है 80 किलो से 100 किलो तक बन जाता है। 100 किलो डेली मटर, डेली का काम है यही। अरे वाह, अब इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये आपने पेस्ट बना रखा है पहले? बिल्कुल हाँ जी, ये गया जी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। अब आई मेरे को खुशबू इसमें से शानदार वाली, बहुत शानदार खुशबू आ रही है। देखो दोस्तों ये है पूरा सेटअप, ये चेक करो आप, ये दो दो चीज़ें बन रही है यहाँ पर। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं दो रेसिपी आपको एक साथ दे रहा हूँ, एक तरफ चिकन की रेसिपी है एक तरफ अंडा कड़ी की है। अंडा कड़ी की तो मैंने इनको बोला बनाओ आप, मुझे चाहिए वो रेसिपी। बिल्कुल, ये देखिए दोस्तों ये गया जी इसमें तेज गरम पीसे हुए प्याज डालते, पीसे हुए प्याज। ये देखिए दोस्तों ये है पीसे हुए प्याज, क्या क्या डाला इसमें? इसमें ओनली प्याज, प्याज ओनली प्याज, प्याज पीसा हुआ। ओके, ये गया जी पीसा हुआ प्याज इसके अंदर। ये देखिए दोस्तों ये कुछ अलग रेसिपी लग रही है मुझे बनाने का तरीका, और ये बहुत अलग रेसिपी लग रही है मुझे सीरियसली। सो तो अब देखो अपना ये मसाला तैयार हो चुका है, ये हो गया। अब डालेंगे इसके अंदर चिकन, जी इसके अंदर ये अपना चिकन है, ये है ही दो लेग पीस अपना। बिल्कुल जी, 2 लेग पीस आ गए, ये गए जी पीस, ये मसाला बन गया, उसके बाद में इन्होंने डाला है लेग पीस और ये चिकन वगैरह जो भी था रॉ। और अब आप इसकी कलर चेक करो, इसकी रंगत चेक करो, क्या शानदार इसकी रंगत आ गई है, क्या बात है दोस्तों। देख रहे हो आप ग्रेवी, एक बार ग्रेवी उठा के देखो, बहुत शानदार लग रही है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो ऐसा लग रहा है जैसा कोई तैयार हो गया। ये देखो दोस्तों, बाकी अभी तो 20 मिनट लगेगी इसको तैयार होने में। क्या कंसिस्टेंसी है जी, मज़ा आ गया देख के। इसमें हल्का सा पानी डालेंगे, ये गया जी इसके अंदर हल्का सा पानी।
इसको सीटी लगाएंगे, पैक करेंगे। अच्छा, इसको पैक करेंगे। जी हाँ जी, 10-1 मिनट लगेगी इसमें। ओके, ये गया जी, पैक हो गया। अब इसमें लगेगी सीटी, जब तक अपन चलते हैं अंडा कड़ी के लिए। ये बहुत बढ़िया तरीका था जी, एक बार दोबारा दिखाइए दोस्तों। बिल्कुल, ये देखिए दोस्तों, कुकर में घुमाने का तरीका। अब आ गए जी अंडा कड़ी पे, और अंडा कड़ी में आपने देखा था तेल को गर्म किया था, उसके बाद में अपन ने इसमें डाला था पिसा हुआ प्याज। और अब आगे की जो प्रिपरेशन है वो करते हैं। अब इसमें हल्दी डालेंगे। ये गई जी हल्दी इसके अंदर। ये नमक गया जी। धनिया पाउडर, ये धनिया पाउडर गया जी इसके अंदर। ये गई जी लाल मिर्ची। लाल मिर्च इसमें हल्का सा ऐड करेंगे। पानी हल्का सा गया जी इसके अंदर। पानी इसमें एग बॉयल डालेंगे अपन। हाँ जी। ओके, तरीका बहुत अलग लगा मुझे ये एग कड़ी बनाने का आपका। ये देखो आप रंगत इसकी क्या शानदार आई है। अभी देखना भी तो आई कहाँ है। अच्छा, अभी इससे भी भयंकर आएगी रंगत। एक अच्छा नंबर, बिल्कुल। आप खाओगे तो याद करोगे वाक्य में के बना के दिया आपने। अरे वाह, बिल्कुल देख रहे हो आप कॉन्फिडेंस लेवल। अभी तो ये बोल रहे रंगत आई नहीं है, अभी तो आने वाली है। हाँ, वेट करो थोड़ा सा। तो दोस्तों आ गए काका जी भी। काका जी आपको मिस कर रहे थे वीडियो में। सिखा रखा मतलब आपने, पूरा ट्रेन कर दिया। ट्रेन कर दिया इसको। 10 साल हो गए। अच्छा, 10 साल हो गए। हाँ जी, 10 साल हो गए। ये मेरे बराबर, मेरे कोई शिकायत नहीं आती है, और मेरे बराबर बिल्कुल मीट बनाता है। अच्छा, कोई भी आइटम बना लो, मच्छी बनवा लो, अंडे बनवा लो, या मटन बनवा लो, या चिकन बनवा लो, कोई सा भी आइटम बनवा लो। 10 साल से बना रही है। बिल्कुल 10 साल से मेरे साथ में बना रहा है, और कोई शिकायत नहीं आ रही। कोई कस्टमर ये नहीं कहते हैं कि कोई शिकायत आ रही है। वाह यार काका, क्या मीट बनाया। बनाता बेटा भी है तो भी मेरा ही नाम होता है कि काका वाह मीट बनाया। लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये गया जी लहसुन और अदरक का पेस्ट इसके अंदर। ये बहुत शानदार चीज़ बनने वाली है मुझे लग रहा है। बहुत शानदार ही बनाते हैं यार। अच्छा, अगर शानदार नहीं बनाएंगे तो कौन लोग आएंगे यहाँ खाने के लिए। बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ। अच्छा जी। हाँ जी, बहुत दूर दूर से, दिल्ली से, अजमेर से, कोटा से, टोंक से, सवाई माधोपुर से, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है। दोसा से आगाड़ी तक के आते हैं। अच्छा, बहुत दूर दूर से आते हैं। जयपुर तो खैर हमारे पास में है, जयपुर के तो डेली आते हैं, बाकी बहुत दूर दूर से आते हैं। मजा आ गया देख के। और पूरा जयपुर में सप्लाई है हमारी। अच्छा, मीट की अपने काका मीट। तो आप डिलीवरी भी देते हैं क्या? नहीं, डिलीवरी अब करेंगे तो इससे चालू कर देंगे अपन, दीपावली से चालू कर देंगे डिलीवरी पे। और वो परसा का मीट चालू करेंगे जो आप कभी खाए ही नहीं होंगे कभी। अच्छा, एक और नया वो करेंगे उद्घाटन, जिसमें कोई खाया ही नहीं होगा। वो ऐसा पर्चे में मीट बनाएंगे जो अगट्ठा बनाएंगे जो क्विंटल 50 किलो बनाएंगे और उसको सप्लाई करेंगे। हाँ जी, हमारे को 4 या 5 हेल्पर और चाहिए। हेल्परों की बहुत सख्त जरूरत है। अच्छा, तो आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप चाहते हो ना कि यहाँ पर काके जी के पास आके बैठ जाओ और काम कर लो बढ़िया से, तो इनको रिक्वायरमेंट है, आप नीचे कमेंट करो या इनको डायरेक्ट कॉल करना। इनका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। बिल्कुल 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 है ना जी, बढ़िया मिल सकते हैं। बढ़िया सैलरी देंगे और बढ़िया रखेंगे यहाँ खाना पीना रहना। यहीं मच्छी बनाते हैं, मुर्गा बनाते हैं, बकरा बनाते हैं, अंडे बनाते हैं, ये आइटम बनाते हैं। और भी जैसे शीरी हुई, ओजड़ी हुई, बकरे की शीरी हुई, ये आइटम बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने इनका लास्ट टाइम शीरी पाए का एक वीडियो बनाया था जो बहुत सही चला था। हाँ, अगर वो वीडियो नहीं देखा ना आपने तो ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। वस्तु तो मेरी बहुत दूर दूर जाती है, या कि बनता क्या है यार, ऐसी कुछ भी आती है। अच्छा, हाँ जी, बहुत दूर से ही जान देते हैं काका का ढाबा उधर है। लोग खुशबू से खसे आते हैं, मेन रोड से थोड़ा अंदर है अपना, तो वहाँ से खसा आते हैं खुशबू तो लोग जी। अभी क्या प्रोसेस है? अब डालेंगे इसके अंदर गरम मसाला। ये क्या जी इसके अंदर गरम मसाला? ये देखो आप, अब आप देखो दोस्तों, ये बिल्कुल खाओगे जब याद करोगे आप। अच्छा, भाई अंडा करी बनी आज, मतलब ऐसी अंडा कड़ी आप बिल्कुल लग रहा है कि आज तक खाई नहीं होगी। हाँ। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप कंसिस्टेंसी हो गया, ये मसाला कंप्लीट। अब डालेंगे अंडे काट के। अच्छा, इसमें अंडे ये आ गए जी, बॉयल अंडे। अब इसको काटेंगे और काट के डालते हैं। हाँ, काट के। ओके, ये देखिए दोस्तों ये गए जी इसके अंदर बॉयल अंडे कट के। जरूर ट्राई करना है एक बार अंडा कड़ी। ठीक है अंडा कड़ी। हाँ जी, ये देखो दानेदार। अरे वाह, ये देखिए दोस्तों दानेदार एकदम अंडा कड़ी रेडी हो गई, चेक करो आप। अरे वाह, मज़ा आ गया देख के। और ये गया जी इसके अंदर धनिया। ये हो गया जी तैयार एकदम चिकन
इसमें डल गया धनिया बनिया, शानदार लेग पीस है, इसको लगवाए फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, फटाफट से लगवाते हैं और उसको खाकर आपको उसका टेस्ट बताते हैं क्या शानदार वाला होने वाला है। सो दोस्तों देखो, फाइनली है ना, ये चीज़ें जो मैंने आपको पूरी रेसिपी दिखाई ना, अंडा कढ़ी की और चिकन की, फाइनली बन के आ गई है। और अब ना देखो, सर्व नहीं हो रहा, उसकी खुशबू इतनी शानदार आ रही है ना, बहुत देर से वेट कर रहा था। लगाते हैं फटाफट से प्लेट में, ये देखो ये थाली है, इसमें लगाएंगे। सबसे पहले ले लेते हैं दो रोटी, है ना, ये गई जी रोटी, इसके ऊपर रखेंगे। साथ में बाटी भी है, बाटी भी मैं आपको खाकर दिखाऊंगा, ठीक है। तो फटाफट से पहले इसमें डालते चिकन। ये देखिए दोस्तों, ये कुकर का कुकर आ चुका है बनके, आपके लिए भी ऐसे ही आएगा पूरा कुकर जब आप ऑर्डर करेंगे। सो दोस्तों ये चेक करो आप, ये चेक करो आप, ये लेग पीस और ये इसकी ग्रेवी देखो आप, ये देखो दोस्तों क्या बात है। ले लेते हैं सबसे पहले एक लेग पीस, है ना, ये चेक करो आप कंसिस्टेंसी, ये कलर देखो आप, ये ग्रेवी, ये गई जी इसके ऊपर ग्रेवी। ये दिखाता हूँ आपको, बहुत गर्म है दोस्तों। एक लेग पीस लिया है फिलहाल, अभी मैं और ले लूँगा एक बार आपको टेस्ट करके बताने के लिए। रोटी लेते हैं फटाफट से, एक बाइट करते हैं इसको, अब वेट नहीं हो रहा। ये इसमें लेंगे चिकन, है ना, साथ में ली ग्रेवी, जो मसाले हैं ना, मज़ा आ गया, सीरियसली मज़ा आ गया। ये देखिए दोस्तों, इसकी गलावट चेक करो आप, ये देखो आप, इसमें आ गया चिकन, साथ में रोटी और ग्रेवी, ये देखो आप, क्या बात है, बहुत अलग टेस्ट है दोस्तों। मतलब मैंने ऐसा चिकन ये वाली इस ग्रेवी के साथ में अनटेस्ट, जो उसकी ग्रेवी बनी है, जो उसका टेस्ट आ रहा है ना, मस्त भी ट्राई। अब लेते हैं अपन इसका बाइट, ये चिकन, अब लेंगे इसका बाइट। चिकन की जो गलावट है ना दोस्तों, एकदम जूसी है। मतलब एक तो चिकन होता है कि एकदम ऐसे पीस छोड़ रहा है, ऐसा नहीं है, जूसी है। मतलब एक जूसी फील आना चाहिए चिकन में, आप जब भी चिकन खाते हो ना, तो या तो एकदम ऐसे टूट जाएगा तो आपको लगेगा जैसे आलू की सब्जी जो बोलते भी है चिकन को, बट वैसा नहीं है, जूसी है बिल्कुल, फील आ रहा है मस्त वाला। एक बाइट और लेंगे, वेट नहीं हो रहा दोस्तों, एक बाइट और लूँगा मैं तो ग्रेवी के साथ ही। बहुत बढ़िया, 100% रिकमेंडेशन। एक बार जो अंडा कड़ी बनवाई थी ना, इसको भी टेस्ट करेंगे, इसी में ले लेते हैं और बताता हूँ आपको उसका टेस्ट। ये चेक करो आप, दानेदार एकदम मस्त वाली दानेदार ग्रेवी है। ये देखो आप ग्रेवी चेक करो आप, अरे है एकदम गाढ़ी एकदम दानेदार ग्रेवी। ये गए जी रोटी के ऊपर, ये लपेट लीजिए ग्रेवी के साथ ही सबसे पहले रोटी को। ये देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में जो रेसिपी मैंने आपको दिखाया था ना, पीस था वो था बिल्कुल प्याज, और वो प्याज डाला था, उसके बाद में मसाले डाले थे, तो जो प्याज का जो टेस्ट है ना, एकदम जूसी वाला हो क्या है दोस्तों। दोनों चीज़ें रिकमेंडेशन है अब तो मेरे लिए, आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप दोनों चीज़ें ट्राई करो, मटन को छोड़ो, आप यहाँ का चिकन भी खाओ तो मज़ा आएगा आपको। ये एग, एक अंडा, जो अंडा कड़ी बनी है, सीरियसली मेरे को बाटी के साथ खाने का मन कर रहा है। एक बाटी लेते हैं, चूरते हैं, ऊपर से डालेंगे इसकी ग्रेवी, ग्रेवी ग्रेवी क्योंकि एक नंबर बनी है। ये जी बाटी, बाटी को चूरते पहले फटाफट फटाफट, दिल से बनाया था और 100% पकाया था, शानदार चीज़ बनाई है। ये देखिए आप दानेदार ग्रेवी, ये डालते थे ये बाटी के ऊपर, ये देखो है, ये देखो दोस्तों क्या बात है। चेक करो आप ये प्लेट, चेक करो आप ये प्लेट, चेक करो आप ये देखो आप दानेदार ग्रेवी। ये तो अंडा कड़ी की, ये है चिकन जो बनाया था, दोनों में मज़ा आ गया। बाटी के साथ लपेटते हैं इसको, आँख नहीं रुक रहा दोस्तों, नहीं शानदार बनाई है, 100% रिकमेंडेशन है, 100%। तीन चार बार बोलती मैंने ये बात आपको, बट है रियली है दोस्तों। अगर मैं इसकी रिव्यू की बात करूँ ना, ऑल ओवर की, नीचे डिस्प्ले पे दिख रहा होगा इसका रिव्यू, यही होना चाहिए। अभी मैं इसको चूर के खाऊँगा, देखो क्योंकि अब वेट नहीं हो रहा, अभी उठाऊँगा दो चार पीस चिकन के और बढ़िया से इसको चूरूंगा रोटी को भी, जैसे बाटी को चूरा है,
और फिर खाऊंगा, इसका मज़ा ही अलग हो जाएगा। दोस्तों हमारे वीडियो हम यूट्यूब पर तो डालते ही हैं, साथ में फेसबुक पर भी डालते हैं और इंस्टाग्राम पर अपकमिंग अपडेट्स होती है और अपडेट्स आपको ट्विटर पे भी मिल जाएगी, जिसको अब एक्स बोलते हैं। अभी मैं उसको चूर के खाता हूँ। आपसे मिलेंगे नई वीडियो पे, नई जगह पे, एक और नए जायके के साथ। टिल देन गुड बाय।